हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टू सिंपल ब्यूटीफुल ब्राइडेड हेयर स्टाइल। देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन बनाना बहुत ही ईजी है। मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है ये दोनों चोटियाँ बनाने के लिए। तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप लोग के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स, जिसमें मैं सिलाई की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। सिलाई में जो बारीकियाँ होती हैं, जो मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो सारी चीज़ें समझाते रहती हूँ। अगर आप चाहो तो उस चैनल पर जाइए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ये दोनों चोटियाँ एकदम मैंने, मतलब जो सेकंड वाला चोटी ब्राइड है उसको तो मैंने अपने माइंड से सोचा और बना दिया, और फर्स्ट वाला मैंने देखा था कहीं पे और इसको भी मैंने सोचा कि उन्होंने बताया हुआ है बट उन्होंने बारीकियाँ नहीं समझाई है। तो मैंने पूरा बारीकी से इन दोनों चोटियों को एकदम आसानी से, कोई जो भी बैगनर्स भी हैं तो बना लेंगे ये वीडियो देखने के बाद से। तो ये दोनों चोटियाँ बनाने का बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दोनों साइड से पतली पतली सी लेयर ले लेनी है। पोनी बनाने के बाद से मैंने एक लेयर को ऊपर सेट कर दिया है और एक को मैंने अपनी स्टूडेंट के हाथ में पकड़ाया हुआ है। फिर से साइड से एक लेयर लेनी है और जो पहले हमने लेयर ली थी उसको नीचे की तरफ से लेके आना है और एकदम जो हमने टू पार्ट्स पोनी के किए थे उसके सेंटर में लेके जाना है। फिर दूसरा वाला लेयर भी ऐसे ही सेम करना है और जो हमने लेयर पहले छोड़ा हुआ है उसको नीचे से लेना है। और जो अभी जैसे हमने यहाँ पे अभी लेयर लिया, ये लेयर ले लिया हमने, इसको ऊपर की तरफ रखना है और जो हमने पहले लिया था उसको नीचे की तरफ से ला के सेंटर में ले आना है। जैसे हम खजूरी चोटी करते हैं सेंटर में, सेम वैसे ही करना है। बस साइड साइड में आपको थोड़े थोड़े लेयर्स लेने हैं और जो लेयर पहले छोड़ा हुआ है उस लेयर को नीचे से लेके आएंगे और जो ले रहे हैं हम अभी लेयर उसको ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे इस तरीके से। और ऊपर जो पहले वाला लेयर था उसको नीचे से ला के सेंटर में इस तरीके से क्रॉस करके। हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ये ब्राइड बना रहे हो तो आपको बहुत टाइटली पकड़े रहना है क्योंकि थोड़ा सा भी लूज होने पे परफेक्ट लुक नहीं आता है। क्योंकि मेरी स्टूडेंट भी 3-4 बार ट्राई कर चुकी थी तो लास्टली मैंने यहाँ पे बनाया ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से टाइट कर लेना है, जब भी लूज पड़े तो टाइट कर लेना है। और फिर साइड से आपको एक लेयर लेना है और जो पहले छोड़ा हुआ लेयर था उसको ले लेना है नीचे की तरफ से और जो अभी आप लेयर ले रहे हो उसको ऊपर की तरफ से। ये हमने लेयर लिया है, इसको ऊपर से ले गए और पहले वाले लेयर को नीचे से ला के बीच में खजूरी चोटी की तरह ब्राइड बनाया है। तो इसी तरीके से इस पूरी ब्राइड को आपको बनाना है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से लेयर लेना है। मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ब्राइड वगैरह बनाने में जो भी थोड़ा सा क्रिएटिव हेयर स्टाइल होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में जो बैगिनर्स होते हैं उनको। अगर आपको बैगिनर्स नहीं हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दो और जल्दी जल्दी देख सकते हो अगर आपको हेयर स्टाइल आता है तो। अगर आप बैगिनर्स हो तो आप इसी स्पीड में देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेयर लीजिए, ऊपर से ले जाइए और पहले वाले लेयर को नीचे से लेके आना है। इस तरीके से लेयर लिया है, ऊपर से ले जाना है और पहले वाले लेयर को नीचे से लेके आना है और सेंटर में इस तरीके से लगाते जाना है। तो इसी तरीके से पूरी ब्राइड को कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं था। जैसे मुझे आज यूट्यूब चैनल बनाए हुए 3 साल हो गया है और आप लोग के सपोर्ट से 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए मैंने। और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं और भी चैनल्स बनाऊं जिसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिले। और कुछ मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ डोंट माइंड गाइस, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरा प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ लोगों को। क्योंकि आदमी जैसे पूरा परफेक्ट तो कभी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। तो उसी तरीके से मैं भी सीखते रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ वीडियोज़। तो इसी तरीके से लेयर्स लेना है, ऊपर की तरफ से ले जाना है, पहले वाले लेयर्स को नीचे की तरफ से ले आना है और सेंटर में इस तरीके से क्रॉस करते जाना है एक दूसरे के ऊपर। इस तरीके से हमने लेयर लिया है, इसे नीचे से लाया और बीच में जो पहले वाला लेयर था उसके ऊपर इस वाले लेयर को ले जाके रख देना है। आप जितनी लंबी चाहो, जितना छोड़ना चाहो नीचे से उतना छोड़ सकते हो। और लंबे बालों पे और भी प्यारा लगेगा ये वाला ब्राइड हेयर स्टाइल, चोटी वाला हेयर स्टाइल। तो ये दोनों चोटियाँ बनाने का है ना बहुत ही ईजी तरीका। आपने ये ब्राइड शायद पहले भी देखा होगा बट साउंड के साथ नहीं, मतलब समझाया नहीं होगा उन्होंने, बस ऐसे साउंड के साथ देखा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं बोल के देखूँ, शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आए और
आप लोग को अगर मेरा बोल के समझाना अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको साउंड वाली हेयर स्टाइल की वीडियो देखनी है तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल में अपनी आवाज़ ना डालूँ और साउंड डाल दूँ म्यूजिक। तो ये लगभग ब्राइड हमारी कंप्लीट होने वाली है, फिर चलेंगे सेकेंड ब्राइड की तरफ। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है। अभी मैं नीचे लेयर्स जितने बचे होंगे हेयर उनको छोड़ के वहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देना है। तो ये हो गया ब्राइड हमारा कंप्लीट, और यहाँ पे मैं रबड़ लगा देती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो, और बहुत मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये वाला ब्राइड। तो यहाँ पे मैंने रबड़ लगा दिया है, और इसका फाइनल लुक मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। पहले उसके बाद रबड़ लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे कहीं से अनमैनेज दिखे ब्राइड तो वहाँ से आप मैनेज कर लीजिए, इस तरीके से हाथों की मदद से खींच लेना है ब्राइड को। और ये है इसका फाइनल लुक, फ्रंट से ऐसा है, और इसके नीचे का जो बैक वाला पार्ट है वो भी सेम है, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तभी आपकी ब्राइड परफेक्ट बनेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, फर्स्ट ब्राइड हेयर स्टाइल। चलते हैं सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड वाले में सेकेंड वाला मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी, फिर मैंने बोला चलो आप लोग को आज एक और हेयर स्टाइल बता दी जाए। तो इसमें क्या करना है, सिंपली पोनी बना लेनी है। आप चाहो तो विदाउट पोनी के भी बना सकते हो। ये साइड से थोड़ा सा लेयर लेना है, नीचे की तरफ से लेयर को लेके जाना है, और इसके अंदर एक होल बनाते हुए इस तरीके से क्रॉस करना है, इसको टाइटली छोड़ देना है। ओके, और आप चाहो तो इसके साथ साथ में दो ब्राइड बता देती हूँ इसी में, इस तरीके से सेकेंड लेयर लेना है, दोनों को साथ में रख के और फिर नीचे से ला के और खींच सकते हो। अगर आपका लेयर इस तरीके से निकल जाए जैसे कि मेरा निकला है, तो आप सारे लेयर्स को इसी तरीके से बनाओगे। तो इसको दोनों को छोड़ देंगे हम इस तरीके से, फिर से एक लेयर लेंगे और नीचे की इस तरीके से इसको राउंड घुमाएंगे नीचे की तरफ से ला के, बाकी बचे लेयर को इसके अंदर से इंसर्ट करते हुए इस तरीके से खींच देंगे। फिर सारे ब्राइड को इसी तरीके से बनाना है, लेयर लेना है, नीचे की तरफ से लेके जाना है, और इस साइड से पकड़े रहना है, और इस तरीके से खींच लेना है। ओके, तो ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, और पूरा बना के दिखाती हूँ मैं। फिर से लेयर लेना है, जितना लंबा आपको आपकी चोटी है उतनी बार लेयर्स लेते जाइए, और इस तरीके से नीचे की तरफ से लेके आना है, और ऊपर की तरफ से लेयर को लाना है, और इस साइड से खींच देना है जो हमने होल बनाया था उसके अंदर से। तो फिर से मैंने लेयर लिया, नीचे की तरफ से लेके गई, ऊपर की तरफ से ला के, और ये जो हमारा गैप है उसके अंदर से इसको निकाल लेना है, हेयर को इस तरीके से पकड़े रहना है। ध्यान रखिएगा लेयर को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं है दूसरी तरफ से लाने के लिए, इस तरीके से पकड़े रहना है। इस लेयर को हम लोग इस तरीके पकड़े रहेंगे, और फिर दूसरी साइड से ला के ऊपर की तरफ से इसको खींच देना है। ऐसे ही सारा ब्राइड बनाते जाना है। ओके, तो जितना आपको बनाना है लंबा उतना आप कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा मैं और कर लेती हूँ इस ब्राइड को। इसी तरीके से पूरा ब्राइड कंप्लीट करना है। फिर साइड के जो लेयर हैं निकले हुए हैं इनका क्या करना है वो भी देख लीजिएगा। फिर से मैंने इसको निकाला और इस तरीके से पकड़ा, और ये देखिए सारे इधर के जो हेयर बचे हुए हैं उनको क्या करना है, इस तरीके से आपस में आप लपेट सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ से लपेटा है, नीचे की तरफ से आप इस तरीके से राउंड राउंड इसको ट्विस्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप ऊपर की तरफ से भी कर सकते हो। नीचे से की तरफ से करोगे तो कुछ ऐसा लुक आएगा, और ऊपर की तरफ से करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो मैं नीचे का छोड़ देती हूँ, ऊपर की तरफ से मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, तो इसको मैंने पूरा खोल लिया है। अब ऊपर की तरफ से इस तरीके से सिंपली ट्विस्ट करते जाना है, एक एक लेयर लीजिए इसके साथ, इस तरीके से ट्विस्ट करते जाइए, लेयर लीजिए नीचे की तरफ से इस तरीके से करके ट्विस्ट करते जाना है। बस कुछ भी नहीं करना है, बस लेयर को साथ उठाते जाइए और ब्राइड के साथ मिक्स करके ट्विस्ट कर देना है। तो सारे ब्राइड को इसी तरीके से बनाना है। ओके, और साइड से भी एक ब्राइड का लुक क्रिएट हो जाएगा, जो सिंपल ब्राइड हम लोग बनाते हैं उस तरीके से, जो खजूरी ब्राइड बनाते हैं उस तरीके का लुक क्रिएट हो जाएगा। और भी इस तरीके की ब्राइड्स की वीडियोस देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी हेयर स्टाइल है जो नहीं समझ में आता हो तो मैं उसको बारीकी से बताने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे लेयर्स ले लिए हैं, और इनको एक साथ इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है, और फिर यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देंगे। देखिए इतना प्यारा सा ब्राइड हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये है इस ब्राइड का फाइनल लुक, सेकंड ब्राइड का। तो कैसा लगा आप लोग को, ये मैंने खुद से सोचा है, खुद से क्रिएट किया है ये वाला हेयर स्टाइल। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा इस, और ये है इसका फाइनल लुक। तो दोनों ब्राइड में से कौन सा आपको ज़्यादा प्यारा लगा ज़रूर बताएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों ब्राइड बनाना आ गया होगा, दोनों चोटियां बनाना आ गया होगा। और जो भी लड़कियों के लंबे बाल हैं और ये ब्राइड बनाती हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चोटियां बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। 30,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और मैं और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो इस चैनल पर आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँगी। इंस्टा आई डी PreetTiwari24 है, तो वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरा मेकअप देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट चैनल बनाऊंगी जिससे मैं सिर्फ मेकअप की वीडियोज अपलोड करूंगी, मेकअप की बारीकियां आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।